रोजी आपा मुझे स्टोरी सुनाइएगा। आपने कौन सी स्टोरी सुननी है? आपको पता है परियों वाली। परियों वाली? आपको पता है जब मैं छोटी थी ना तो आपको पता है मेरी फोन जो सुनाती थी ये वाली स्टोरी जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ ना, ये वाली स्टोरी आपको पता है मेरी फोन जो सुनाती थी। ओके स्टार्ट। आपको पता है एक ना एक ना एक ना शहर होता है, ठीक है? हा? एक शहर होता है। हाँ वो जो शहर होता है ना वो बहुत बड़ा होता था ना, वो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि अर्थ से भी बड़ा। अर्थ से भी बड़ा नहीं, अर्थ से बड़ा नहीं होता लेकिन बहुत बड़ा होता है। और उसमें ना एक घर होता है, और जो शहर होता है ना, शहर के जो बाहर होता है ना, शहर से थोड़ा सा आगे जाकर ना जंगल होता है, ठीक है? वो इतना बड़ा जंगल होता है। और आपको पता है उस जो मैं आपको थोड़ी सी हिंट बता रही हूँ, ठीक है? जो जंगल होता है ना, जंगल में जंगल में वो क्या जानवर होते हैं? जानवर होते हैं। और उस जंगल में एक चुड़ैल भी होती है। चुड़ैल वो सबको खा जाती होती है और वो गंदी भी होती है। जी वो गंदी भी होती है और सबको खा जाती भी है। और ना जो चुड़ैल होती है ना उससे ना आपको पता है क्या किया होता है? उससे ना एक बुढ़िया का वो जो होता है ना, एक बुढ़िया बनी होती है, मतलब एक अच्छी बुढ़िया बनी होती है, ठीक है? यहाँ से हाँ मतलब जो बूढ़ी औरत नहीं होती वो बनी होती है। तो ना फिर क्या होता है के जो होती है ना, नहीं चुड़ैल नहीं, अभी तो अभी सिर्फ आपको बता रही हूँ, अभी तो स्टोरी शुरू होनी है। एक ना एक घर होता है वहाँ पे, जो एक शहर में ना एक घर होता है, वहाँ पे ना एक आदमी और उसके ना बीवी और ना मतलब उसकी फैमिली रहती होती है, ठीक है? उसके ना एक बहुत ज्यादा बेबीज होते हैं, मतलब के जो उसके 3-4 बेबीज होते होंगे, लेकिन वो बहुत गरीब होते हैं, वो इतने गरीब, उनके पास पैसे नहीं होते, उनके पास पैसे भी नहीं होते, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। तो फिर वो खाते कैसे हैं? वो खाते ऐसे है, अब मतलब अभी वो सोच रहे होते हैं ना, वो मतलब उनके बच्चे जो उनके बच्चे होते हैं ना, वो भूखे मार रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि हम अब कैसे खाएंगे, हम कैसे अपने बच्चों को पालेंगे वगैरह, ऐसे ऐसे वो सोच रहे होते हैं। तो ना ऐसे काफी दिन गुजरी जाते हैं, वो उनके पास जो थोड़ी सी सेविंग पड़ी होती है ना वो यूज कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं ना, तो उनको बाद में कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें, कहाँ जाएं, क्या वो मतलब जो आदमी होता है वो ना पढ़ा भी नहीं होता, आपको पता है वो पढ़ा भी नहीं होता। तो मतलब देखो अब जो जिसने स्टडी नहीं की होती वो जॉब नहीं कर सकता ना, वो जॉब नहीं कर सकता, इसलिए वो पढ़ा भी नहीं था, उसे वो जॉब भी नहीं कर सकता था। तो वो बहुत ज्यादा परेशान था कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा। जॉब क्या वो क्यों नहीं करते थे? क्योंकि पुराने जमाने में जॉब होती थी, लेकिन जॉब इसलिए नहीं करते थे क्योंकि सच्ची में हुआ। सच्ची में नहीं, स्टोरी से आ रही ना आपको। तो जॉब इसलिए नहीं करता था क्योंकि उसके पास कोई डिग्री वगैरह नहीं थी, वो कुछ पढ़ा हुआ नहीं था, तो वो कैसे जॉब करता? तो वहाँ तब जॉब का भी वो नहीं होता था ना। तो फिर क्या हुआ, एक दिन क्या होता जी, मतलब उसकी वो ना वो उसकी जो उसकी वाइफ होती है ना वो बैठे होते हैं, दोनों बैठे होते हैं, उनके बच्चे रो रहे होते हैं, कहते हैं बाबा हमें भूख लगी है, हमें खाना चाहिए। तो ना उसके पापा कहते हैं, उसके बाबा रोने लग जाते, उसके पापा कहते हैं मैं कहाँ से लाऊं आपको, कहाँ से ला के दूँ? वो ना बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अब उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें। तो ना एक दिन क्या होता है, ऐसे ही ना काफ़ी दिन गुजरी जाते हैं, तो उनके ऐसे काफ़ी दिन गुजरी जाते हैं। तो ना वो ना एक दिन क्या होता है, एक दिन अपनी वाइफ को कहता है कि आप ना मुझे 7 रोटियां बना दें, तो मैं ना जंगल में ना किसी कुछ करके आता हूँ, आई मीन के मतलब मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ या कुछ पैसे वगैरह लेके आता हूँ। तो ना वो नौकरी की तलाश में ना बाहर निकल जाता है घर से, उसकी जो बीवी होती है ना वो उसको 7 रोटियां बना देती है, उसको ना उसमें ना आलू पेट के दे देती है। तो फिर ये होता है जब उसको दे देती है ना, तो वो अपने घर से ना अपने बीवी बच्चों के लिए ना, अपने वाइफ और अपनी अपने 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 उसके बेबीज के लिए ना खाना लेने के लिए बाहर चले जाता है। तो फिर क्या होता है कि जो होती है ना, जो लड़की होती है ना, जो बीवी होती है ना, वो घर में दुआ कर रही होती है कि मेरे हस्बैंड को काम मिल जाए, और मतलब उसके बेबीज होते हैं उनको बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। तो ना उनके पास कुछ खाने के लिए तो होता नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान होता है कि हम कहाँ से खाएंगे, हम क्या करेंगे। तो फिर एक दिन जब वो चले जाता है बाहर रोटियां लेके खाने पीने की अपनी उसकी तलाश में, तो क्या होता है कि ना
वो बाहर चले जाता है तो वो जा ही जाता है मतलब बहुत दूर तक आगे चले जाता है। मैंने आपको बताया था ना स्टार्ट में कि जो उनका जो घर होता है उनके घर के आगे काफी आगे जाके एक जंगल होता है ना, वो जंगल पहुंच जाता है, वो ना जंगल में पहुंच जाता है तो ना तब बहुत ज्यादा रात भी हो जाती है, तो रात अभी रात स्टार्ट हो जाती है तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो ना काफी आगे जाई जा रहा होता है, मतलब अभी उसको कोई ठिकाना नहीं मिल रहा होता, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही होती जहाँ वो बैठ के खाना खा सकता है, उसको भूख भी उसको ना बहुत ज्यादा भूख लग जाती है, तो अब वो सोच रहा होता है कि मैं कहाँ बैठ के खाना खाऊं, तो उसको कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, वो मतलब अभी वो बहुत ज्यादा आगे चला जाता है, वो कहता है अभी मैं आगे जाता हूँ क्या पता मुझे कोई चीज मिल जाए जहाँ बैठ के मैं खाना खा लूं, तो क्या कहते हैं वो आगे जा ही जा रहा था, वहां पे ना उसको एक जगह नजर आती है, वहां पे ना एक कुआं होता है, मतलब कि रात हो जाती है वो ना एक कुआं होता है, वो कुएं के पास जाके ना बैठ जाता है, तो ना कुआं मतलब कि आपको पता जो कुआं होता है ना साइना, वो जो कुआं होता है ना उस कुएं में ना मतलब अभी मैं आपको स्टार्ट में नहीं बताऊंगी कुएं में क्या होता है, आप बताओ कुएं में क्या होता होगा, पानी नहीं, ट्रेन नो, मूवी वाला नहीं, हम किसकी स्टोरी सुना रहे हैं ना, खाना नो, गैस करो कौन होती होंगी, आप बता दो मुझे नहीं पता, जो होती है ना कुआं उसमें ना परियां रहती हैं, साल परियां रहती होती हैं, आपको पता है उसमें वो ना नहा रही होती हैं, तो ना भला क्या होता है वो ना उसके पास जाके बैठ जाता है, तो ना वो नीचे बैठ के ना कह रहा होता है कि उसको ना बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, वो कहता है कि मैं ना यहाँ बैठ जाता हूँ और यहाँ बैठ के ना खाना खा लेता हूँ, तो उसके पास सिर्फ रोटियां ही होती है और कुछ तो होता नहीं है, तो ना वो भी सोच रहा होता है वो कहता है कि मैं बस यही खा लेता हूँ, तो वो ना वो खोलता है उसको, अभी वो ना जो उसके पास जो होती है ना रोटियां वो उसको ना काउंट कर रहा होता है, वो कहता है वो ना उसको काउंट करता है, वो कहता है एक खाऊं दो खाऊं तीन खाऊं के सातों ही खा जाऊं, फिर वो कहता है जो परी होती है ना उधर सुन रही होती हैं, ठीक है, फिर वो कहता है एक खाऊं दो खाऊं तीन खाऊं के सातों ही खा जाऊं, फिर क्या होता है फिर वो जो परी होती है ना वो फिर सुन रही होती है, वो डर जाती है, वो ना एक जो परी होती है ना वो बहुत ज्यादा डर जाती है, वो कहती है एक जो उनकी सीनियर होती है ना जो सबसे बड़ी परी होती है वो कहती है कि जो सबसे छोटी वाली परी होती है ना उसको भेजती है कि जाओ इसको 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 कुछ जो ये मांगता है ना इसको दे दो, इसको बस ये कहना कि हमें ना खाए, जब वो कहता है ना कि एक खाऊं दो खाऊं के तीन खाऊं के सातों के सातों ही खा जो, तो जो परियां होती है ना उनको लग रहा होता है क्योंकि परियां भी साथ होती है ना, तो परियों को लगता है कि हमें खाने लगा है वो, लेकिन वो तो रोटियों की बात कर रहा होता है ना, लेकिन लेकिन परियों को लगता है कि वो हमें खाने लगा है, तो ना फिर क्या होता है वो जो उनकी सीनियर होती है ना वो जो होती है ना उस परी को ना सबसे छोटी वाली परी को ना नीचे भेजती है ऊपर भेजती है कि जाओ उसको उसको कहो उसको कुछ दे जो वो मांगते हैं उसको वो दे दो पर उसे कहो कि वो हमें ना खाए, ठीक है, तो ना वो फिर जो जब वो थर्ड टाइम बोलता है ना कि एक खाऊं दो खाऊं के सातों ही खा जाऊं, तो ना वो जो होती है ना परी वो ज्यादा ना परेशान हो जाती है, तो वो जो ऊपर आ जाती है वो ना खाने लगता, तो ना कहती है जब वो ऊपर आती है ना तो वो जो होता है ना लकड़हारा या जो भी होता है आदमी जो होता है वो ना देख के डर जाता है वो, क्योंकि उसने तो कभी परी देखी नहीं होती ना, तो वो देख के ना बहुत ज्यादा मतलब कि वो शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है कि रियल वो परियां किससे बनी होती हैं, हैं परियां किससे बनी होती हैं, हां अल्लाह ने ना बनाई होती है ना, और वो ना बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि मतलब कि परियां होती भी हैं, तो वो कहता है वो कहती है कि आप हमसे सब कुछ ले लें आप जो कहते हैं हम आपको देंगे पर आप हमें ना खाइएगा, तो ना फिर क्या होता है वो ना कहता है कि वो ना उसको ना एक बकरी देती है, वो कहता है ठीक है मैं आपको नहीं खाऊंगा, तो ना वो उसको एक बकरी देती है, याद रखना क्या कह देती है, एक बकरी देती है और एक एक जो मटका होता है ना, बकरी किसको कहते हैं, गोट को, व्हाट, अच्छा एक बकरी देती है, एक ना उसको मटका होता है ना जो हंडिया होती है ना इसके मिट्टी की हंडिया जिसके अंदर खाना बनाते हैं जो आपके घर है ना मिट्टी की हंडिया, वो एक वो देती है और एक ना एक बकरी देती है, एक मटका देती है और एक रस्सी और डंडा देती है, ठीक है,
रस्सी और डंडा नहीं देती, मतलब कि एक वो देती है, एक बकरी देती है, एक मटका देती है और एक और चीज देती है। अब आप वो डिसाइड करो कि वो क्या होगी। वुड। गैस करो। वुड। नो। नहीं पता, नहीं पता। वो बोला क्या देती है, गैस करो ना। खाना। खाना नहीं। ना। जो हाँ जो बकरी होती है ना, आपको पता है वो बकरी क्या देती है? क्या? वैसे बकरी तो मेंग नहीं करती है ना, पोटी पोटी वगैरह करती है। हाँ। वो आपको पता है वो जो जब वो करती थी ना तो वो उसके कॉइन्स निकलते थे गोल्ड के। हाँ। आपको पता है वो गोल्ड के कॉइन्स देती थी। तो कहता है वो क्या, परी कहती है कि आप ही ले लें और हमें ना खाइएगा, तो आप हमें ना, आप बस हमें ना खाएगा, आप ये ले लें, आप हमें ना खाएगा। तो जो लकड़ा वो जो आदमी होता है ना वो बहुत ज्यादा खुश होता है, वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, कहता है कि मैं अपने बच्चों को घर जाके खाना खिला सकता हूँ, उनको उनकी उनको एक एक अच्छी अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। तो फिर क्या होता है, वो ना उससे ना वो दो वो चीजें लेके ना चला जाता है। तो ना कहता है आपका बहुत शुक्रिया, मतलब उसका थैंक्स करता है, वो लेके ना चीजें चले जाता है। मतलब रात हो गई होती है ना, तो वो जब वो कहता है मैं रात हो गया, मैं क्या करूँ, मैं घर कैसे जाऊंगा। तो ना मतलब के रात, मतलब इतनी ज्यादा रात हो जाती है कि मतलब जंगल होता है ना, जंगल में पता है ना रात को स्नेक्स एनिमल्स वगैरह सारा कुछ होते हैं, तो उसको डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो ना वो सोच रहा था कि मैं क्या करूँ। तो ना जब वो ना वहां से चला जाता है, तो ना आगे जा रहा है, तो उसको ना एक झोंपड़ी नजर आती है, झोंपड़ी नजर आती है, ठीक है, उसको एक झोंपड़ी नजर आती है। और वो कहता है कि मैं ना यहाँ पे रुक जाता हूँ, आज रात यहाँ पे रुक जाता हूँ और सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। तो ना भला क्या होता है, तो क्या होता है वो ना, क्या कह रही थी मैं आपको, वहाँ चुड़ैल होती है। हाँ जी यस, वहाँ पे ना चुड़ैल होती है, लेकिन वो जो होता है ना वो लड़का आदमी कहता है, हाँ। वो आदमी कहता है कि क्या कहता है, रात बहुत ज्यादा हो गई थी ना, वो आदमी कहता है कि आज रात मैं यहाँ रुक जाता हूँ इस झोंपड़ी में, तो सुबह अपने घर चले जाऊंगा। तो ना फिर क्या हुआ, वो जो था ना वो ना जाके ना उसकी झोंपड़ी का ना दरवाजा खटखटाता है, कहता है अंदर से ना एक आवाज आती है, कहता है अंदर से ना एक आवाज आती है, वो जो बुढ़िया होती है ना, वो चुड़ैल होती है ना, तो वो तो चाहती थी कि वो मेरे पास रुके और मैं उसकी सारी चीजें वगैरह ले लूं और उसको जाने दूं। उस वो जो चुड़ैल होती है ना, उसको वो सब कुछ नजर आ जाता है कि वो जादुई चीजें से पकड़ी होती है। तो ना वो चुड़ैल होती है ना, वो ना वो से कहता है कि आज रात मैं आपके घर रुक सकता हूँ, मैं ऐसे ऐसे निकला अपने घर से, कुएं के पास गया, आपने मेरे बच्चे ऐसे हैं, वो बहुत बीमार हैं, उनके पास खाना, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं ऐसे घर से निकला, एक कुएं के पास गया, तो वहाँ पे मुझे एक परी नजर आई, उससे मुझे ये दिया, वो कहती इसमें से आप जो बोलेंगे, जो आपको पता है जो हंडिया होती है ना, वो हंडिया में जो बोलोगे ना वो बन जाएगा। जैसे कि अगर आप बोलो दाल बन जाओ, वो दाल बन जाएगी, अगर आप बोलोगे चावल बन जाए तो वो चावल बन जाएंगे, अगर आप बोलोगे हलीम बन जाए वो हलीम बन जाएगी, अगर आप बोलोगे ना पास्ता बन जाए, सब कुछ बन जाएगा, वो अच्छा, जादुई हंडी होती है। अच्छा। तो ना वो रात उसके घर रुक जाता है, अंदर जाता है, तो ना वो जो बुढ़िया होती है ना वो कहती है कि ये आप चीजें हमें दे दे, जो बुढ़िया होती है ना वो कहती है चीजें हमें दे दे और आप ना आप आराम कर लें, आप थक गए होंगे। जो बुढ़िया जो चुड़ैल होती है ना वो ये कह रही होती है उस आदमी को, तो चुड़ैल को चाहती है क्योंकि है चुड़ैल को जैसा चीजें देती है, क्योंकि चुड़ैल बुरी होती है ना इसलिए, लेकिन उसको खाती नहीं है, उसको माफ कर देती है और कहती है कि आप मुझे ये चीजें दे दो। नहीं वो नहीं कहती ना उसको, मैं आपको स्टोरी बताती हूँ क्या होता है, वो जो बुढ़िया जो चुड़ैल होती है ना वो उसे कुछ नहीं कहती ना, बस उसकी चीजें जो बुढ़ी चुड़ैल होती है ना, जो उसकी झोंपड़ी होती है ना गाना, उसमें ना बहुत ज्यादा ना उसमें बहुत ज्यादा वो पड़ी बकरियां होती है और बहुत चीजें होती है, मतलब हंडिया वगैरह हर चीज होती है, लेकिन वो सब ना जादू ही होती है ना, नकली होती है, पर जो उसके पास होते हैं ना आदमी के पास, वो तो रियल होती है ना, क्योंकि उसको वो परी ने दी होती तो वो रियल थी। तो ना वो ना जाके सो जाता है, वो जाके लेट जाता है, उसको दूध वगैरह देती है, वो ना जाके ना लेट जाता है। तो ना वो सो जाता है, तो जो वो जो उसकी चीजें पड़ी होती है ना वो उसके पास ही पड़ी होती है, मतलब सब कुछ होता है ना वो अपने पास ही बांध के ना रात को सो जाता है। तो वो ना अपने पास बांध के सो जाता है, तो ना
फिर वो जो चुड़ैल चुड़ैल पे लगा करती है, आती है आहिस्ता 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 आती है और जाके ना उसकी चीजें पकड़ लेती है, उसकी जो सारी चीजें होती है ना वो पकड़ लेती है। तो सारी चीजें उसकी ना, जो उसकी जो जादुई जो असली चीजें होती है ना, वहां से उठा के ना वहाँ पे सारी नकली चीजें रख देती है। तो सारी नकली चीजें रख देती है वहां पे, फिर क्या होता है जी, वहां पे नकली चीजें रख देती है, वो रख के ना खुद वहां से चले जाती है, ठीक है, खुद वहां से चले जाती है। फिर जब सुबह होती है ना, तो वो जो आदमी होता है ना वो कहता है, फिर रात मतलब वो भी जाके सो जाती है। फिर रात हो जाती है, रात होने के बाद ना मतलब के सुबह हो जाती है। सुबह जब सुबह होती है ना, तो वो आदमी कहता है कि मैं चलता हूँ, मेरे बच्चे मेरा घर में इंतजार कर रहे होंगे। तो ना वो भैया कहती है आप थोड़ी देर और रुक जाएं, खाना वगैरह खा के जाइएगा, नाश्ता वगैरह करके जाइएगा। तो ना वो कहता है नहीं, मेरे बच्चे घर में इंतजार कर रहे होंगे, मैं उनके साथ जाके खाना खा लूंगा। तो वो ना अपनी चीजें पकड़ता है, मतलब जो उसकी दो चीजें होती है ना वो पकड़ता है और ना निकल जाता वहां से। जब वहां से वो निकल जाता है ना, तो ना अपने घर जाके पहुंचता है, मतलब के काफी देर हो जाती है, वो अपने घर पहुंच जाता है। अपने घर जाके ना इतना खुश होता है, अपने बीवी बच्चों को कहता है कि जो ये जो हंडी है ना, इस पे आप जो बोलोगे ना वो बन जाएगा। मतलब कि अपनी वो जो मैंने आपको बताया था ना कि वो गोल्ड की कॉइन्स होती है और जो उसमें जो हंडिया होती है उसमें खाने वाली हर चीज बन जाती है। तो ना तो क्या होता है, मुझे प्यास लगी है। तो ना फिर बोला क्या होता है, उसकी बीवी कहती है अच्छा, मतलब उसके बच्चे उसके बीवी जो होती है ना बहुत ज्यादा खुश होती है, खुश होते हैं। तो फिर क्या होता है जी, वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो ना बहुत ज्यादा खुश होते हैं, वो इतने ज्यादा खुश होते हैं कि वो कहते हैं अब हम चलो हम भी अब खाना वगैरह खाएंगे। तो ना वो ना उसको ना जो हंडिया होती है ना उसको चूल्हे के ऊपर रखती है। तो ना वो कहती है कि मतलब वो कहती है कि ये चीज बन जाए, मतलब वो कहती है कि दाल बन जाए, तो वो बनती नहीं है। फिर वो ट्राई, वो कहती है क्या पता हमने सही ना किया, वो फिर ट्राई करती है, मतलब कि वो फिर बोलती है लेकिन वो फिर नहीं बनता। तो वो फिर ट्राई करती है लेकिन वो फिर नहीं बनता। तो ना वो कहता है ये तो मतलब कि वो जो आदमी होता है ना वो कहता है कि परियों ने मेरे से धोखा किया, लेकिन परियां ऐसे करती तो नहीं है। तो ना फिर वो कहता है मुझे सात रोटियां बांध दे, मैं फिर जाता हूँ। वो जो होती है ना उसकी बीवी, वो उसको फिर सात रोटियां देती है, वो फिर निकल जाता है, फिर जाता है उसी, वो फिर उसी दोबारा उसी कुएं के पास जाता है। तो ना फिर दोबारा उसी कुएं के, फिर दोबारा उसी कुएं के पास चले जाता है। तो वहाँ फिर मतलब कि जैसे पहले बार रात नहीं थी वैसे जाके ना रात हो गई, हाँ वैसे रात हो गई। तो वहां जाके बैठ गया फिर से, फिर वो कहता है एक खाऊं दो खाऊं सातों के सातों खा जाऊं। फिर जो पड़ी होती है ना वो कहती है लो ये फिर आ गए। फिर वो कहता है एक खाओ दो खाओ के सातों के सातों खा जो। जो परियां होती है वो कहती है फिर क्यों आ गया, इसको तो हमने दिया था, फिर वापस आ गया। तो जब वो तीसरी टाइम बोलते ना एक खाओ दो खाओ के सातों खा जो, फिर वो परी ऊपर आ, फिर दो या तीन परी ऊपर आती है, वो कहती है कि अब तुम क्यों वापस आए, हमने तो तुम्हें दिया था तुम्हें दिया था, तुम फिर वापस आ गए हो, हमें ना खाना बस तुम। तो ना वो जो आदमी होता है ना वो कहता है कि आप लोगों ने मेरे से धोखा किया है, वो जो जितनी भी चीजें थी ना वो नकली थी, हमने घर जाके सब कुछ ट्राई किया लेकिन वो कुछ भी नहीं था हुआ। तो फिर क्या होता है जी, फिर भला क्या होता है, वो जो होती है ना वो फिर उसको देती है, वो कहती है वो ना फिर उसको देती है, वो बकरी देती है और वो मटका देती है, कहती है इस बार तुम ध्यान से घर जाना। वो ना जो परी होती है ना वो से पूछते हैं कि तुम सीधा घर गए थे कि यहाँ पे कहीं पे रुके भी थे। वो कहता है कि जी मैं ना यहाँ पे एक झोंपड़ी थी, बहुत ज्यादा रात हो गई थी, तो मैं ना एक जगह पे रुका था। तो ना एक जगह पे रुका था तो क्या होता है, एक जगह पे रुका था, तो वहाँ पे एक झोंपड़ी थी, तो मुझे वहाँ पे एक बुढ़िया बहुत अच्छी एक बुढ़िया थी, तो वहाँ पे रुका था बस एक रात। तो वहाँ से सुबह वहाँ से घर निकल गया। तो कहता है जो जो परियां होती है ना उनको सारा मार्ग समझ आ जाता है, और वो तो वो समझ आती है क्योंकि वो परियां होती है ना उनको सब कुछ पता होता है। तो ना वो सब कुछ समझ आती है कि मतलब कि वो जो जो सब कुछ हुआ है ना वो बुढ़िया ने किया, मतलब कि वो जो चुड़ैल होती है ना उसने किया। तो ना वो कहती है इस बार तुम जाओ, वो फिर मतलब कि जो सेकंड टाइम होता है ना वो फिर वैसे ही करता, मतलब कि रात हो जाती है तो वो ना फिर वहाँ उस बुढ़िया के पास चले जाता। तो फिर बुढ़िया ऐसी करती है उसके वो सारी चीज़ें रख लेती है और उसको सब कुछ नकली दे के उसको घर भेज देती है। फिर क्या होता है वो घर जाता है, वो घर जाके फिर वो वैसे ही करता है लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बनता। फिर क्या होता है फिर वो अगले दिन ऐसे करता है, वो अपनी बीवी को कहता है कि मुझे सात रोटियां बना दो मैं जा रहा हूँ।
उसकी बीवी फिर उसको बना के देती है, तो वो फिर जाके वही उसको मम्मी के पास जाके ना इस वो कह रहा होता है। तो ना वो मैंने भी आपको बताया ना कि वो सारा उसको बता देती है कि वो जो आदमी होता है परी को बताता है कि मैं एक बुढ़िया के घर रुका था, वो बहुत अच्छी बुढ़िया थी, सुबह फिर मैं अपने घर के घर चला गया था। तो जो परियाँ होती है उनको सब कुछ सारा माजरा होता है ना, सब कुछ समझ आता है आ जाता है कि जो जो उसकी सारी चीजें मतलब कि नकली है ना, जो मतलब उसका सब कुछ चुराया था ना, वो जो चुड़ैल होती है ना, जो बुढ़िया होती है उसने किया है। तो ना जो अब होती है ना, जो अब परियाँ होती है ना, परियाँ मिला के करती है, उसको एक रस्सी देती है और एक डंडा देती है, कहती है जब तुम जाओगे ना तो जो जो परियाँ होती है ना वो आदमी को बता देती है कि वो आदमी को बता देती है कि जो जो वो एक बुढ़िया नहीं है, वो एक चुड़ैल थी जिससे ऐसे किया, आप तुम जाओ और ये रस्सी और डंडा अपने पीछे छुपा लेना ताकि उसको नजर ना आए, और जब वो दरवाजा खोलेगी तो ये उसके ऊपर फेंक देना, तो ये तो वो तुम्हारे सामने खुद सब कुछ आ जाएगा। तो क्या होता है जी, फिर ना वो दोबारा वहां से निकल जाता है। जब वो दोबारा वहां से निकलता है ना, तो जब वो दोबारा वहां से निकलता है तो फिर रात हो जाती है, फिर वो उस बुढ़िया के घर मतलब वो जो उसकी झोंपड़ी होती है ना, उस झोंपड़ी के पास ही जाके झोंपड़ी के जाके दरवाजे के खड़ा होता है, जो दरवाजा खटखटाता है। लेकिन ना जो इस बार पहले तो पता है ना वो सबको सामने पकड़ा होता था उसने, लेकिन इस बार उसने बताया कि जो जो रस्सी और डंडा था ना उसने अपने पीछे छुपा लिया था। जब बुढ़िया ने दरवाजा खोला ना, बुढ़िया कहती है आज फिर आ गया, आज फिर मैं इसका सब कुछ ले लूंगी और इसको घर भेज दूंगी। इस बार क्या होता है जी, वो अपने पीछे रस्सी और डंडा छुपा लेता है, और जब वो बुढ़िया दरवाजा खोलती है ना तो वो उसके ऊपर फेंक देता है, जो रस्सी होती है ना बुढ़िया वो चुड़ैल के ऊपर ना रस्सी चुड़ैल को बांध देती है, और जो डंडा होता है ना वो सारा जादू करके ना मतलब कि सब कुछ सही कर देती है उसको, जो मतलब कि डंडे से वो मर जाती है। और जो एक जादुई छड़ी भी, जो एक ना परियों ने ना उसने एक जादुई छड़ी दी होती है कि जब जब तुम जब चुड़ैल मर जाएगी ना, मतलब जो बुढ़िया जो अच्छी बन रही होती है जब वो मर जाएगी, तुम ये जो छड़ी है ना इसके घर के ऊपर मारना, जो 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 भी नकली होगा ना मतलब कि जो जादुई होगा वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और जो असली होगा ना, जो तुम्हारा होगा, जो तुम्हें हमने 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 दिया हुआ है वो सिर्फ वो रह जाएगा। तो वो ना ऐसे ही करता है, वो ना ओए सही ना जू निकली आपके साथ, हां फिर भला क्या होता है, अब वो ऐसे करता है, जो जादुई जो जादुई छुरी 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 कह रही हूँ छड़ी होती है वो मारता है, तो जो सब कुछ निकली होता है ना, जो सब कुछ जादुई होता है वो सब कुछ गायब हो जाता है, लेकिन जो उसकी चीजें होती है ना सिर्फ वो रह जाती है। फिर वो क्या करता है, वो बहुत ज्यादा खुश होता है, वो अपनी चीजें पकड़ता है और लेके ना तो वो घर वो अपने घर चले जाता है लेके। लेकिन जब वो घर जाता है ना तो बहुत ज्यादा देर हो जाती है, जो उसके बेबीज होते हैं ना वो मर जाते हैं, और उसकी जो वाइफ होती है ना वो भी मर जाती है। लेकिन मतलब कि आपको इतना भी बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए कि आप हर चीज़ किसी को दे दो, आपको हर काम टाइम पे करना चाहिए, आपको आज का काम कल पे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इसका ये स्टोरी थी, मतलब कि जब वो घर गया ना तब उसके जो बेबी थे ना और उसकी वाइफ थी वो मर गई हुई थी, मतलब क्या वो इन चीजों का क्या करेगा। तो शादी कैसे करे, किससे की थी है, फिर दोबारा शादी कैसे की थी, फिर दोबारा शादी उसने की ही नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे क्योंकि उसके सारे बेबीज वगैरह मर गए थे, तो फिर उसने शादी की ही नहीं। तो फिर सारी रोटियां खा गया हाँ फिर वो सारी रोटियां खा गया था खुद ही, फिर वो रो रहा था ना क्योंकि उसके बेबीज वगैरह सब कुछ मर गए, तो फिर उसने रोना था ना, वो था बस यही था। स्टोरी की समझ आई है? हाँ जी स्टोरी पूरी समझ आ गई है, ठीक है।